WHO के स्थानीय समय अनुसार मंगलवार को जानकारी दी कि कोरोना वायरस वेरिएंट B.1.1.7 का पहला मामला ब्रिटेन में 20 सितंबर को आया और अब तक इस वेरिएंट का संक्रमण 86 देशों में फैल चुका है। वेरिएंट B.1.1.7 का संक्रमण बढ़ गया है और कुछ गवाह ऐसे भी हैं जो इस बीमारी की गंभीरता को दिखाते हैं। 7 फरवरी तक इस वेरिएंट के मामले 6 और देशों में फैले। यूके में उदाहरण के लिए स्ट्रेन के लिए टेस्टिंग 63% से बढ़ाकर 90% कर दी गई है। यह जानकारी WHO ने साप्ताहिक महामारी अपडेट में दी। WHO 2 अतिरिक्त स्ट्रेन की मॉनिटरिंग कर रहा है जो फैल रहा है। इनमें से एक B.1.351 है जिससे संक्रमण का सबसे पहले मामला दक्षिण अफ्रीका में मिला। इसके अलावा P.1 स्ट्रेन पहली बार ब्राजील में आया। WHO ने बताया कि 7 फरवरी को B.1.351 स्ट्रेन के मामले 44 देशों में मिले जबकि P.1 स्ट्रेन 15 देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस के बदलते रूप को देखकर बल्कि उन्हें इस बात की चिंता भी है कि ये वेरिएंट और बदलकर गंभीर बीमारी का कारण न बन जाए। ब्रिटेन के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला ने COVID-19 की पहली खुराक ली। ये जानकारी उनके ऑफिस क्लारेंस हाउस की ओर से बुधवार को दी गई। 94 वर्षीय मां महारानी एलिजाबेथ और उनके 99 वर्षीय पति प्रिंस फिलिप ने जनवरी में ही COVID-19 की खुराक ली थी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।